hello everyone it is my pleasure to be here my name is manwar manwar singh you all welcome to best notes tutorial and in this video we will cover 20 important mcqs of uttarakhand i would like to say if you like this video please like share with your friends and subscribe our channel before I start this video if you all wants to join ukpsc exam test series then you can contact us and download our app Our app name is BN Tutorials. You can easily download this from Google Play Store and our contact number is 7409287156. You are watching this number on your screen, so you can contact us. तो दोस्तों मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था. आज हम कवर करेंगे उत्तराखंड से related 20 important MCQs को. तो चलिए शुरू करते हैं. Okay? आ, पहला हम है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी ऑप्शन बी है केदारनाथ ऑप्शन नंबर सी है त्रिशूल और ऑप्शन नंबर डी है बद्रीनाथ तो आपका इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए नंदा देवी उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 7816 मीटर है और यह राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है तो उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है नंदा देवी आ। और इसकी जो ऊंचाई है कई बार एम में पूछा जाता है और आप नोट डाउन कर सकते हैं सात मीटर ये कहाँ है ये राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है कई बार एम सी ये भी पूछा जा पूछता है कि गढ़वाल क्षेत्र में है या कुमाऊँ क्षेत्र में तो आप वहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र ही टिक करेंगे और अगला एम है उत्तराखंड में फूलों की घाटी से कौन सी नदी बहती है यमुना गंगा अलकनंदा और भागीरथी तो अलकनंदा आपका इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फूलों की घाटी से अलगनंदा नदी बहती है आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं उत्तराखंड में अलगनंदा नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है फूलों की घाटी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी जीवन पुष्प विविधता के लिए जाना जाता है और फूलों की घाटी कहाँ है वो आगे भी हम पढ़ेंगे इसको जो कि चमोली जिले में है ओके तो और अगला एम सी है उत्तराखंड में लघु चित्रकला के पहाड़ी स्कूल के संस्थापक कौन थे उत्तराखंड में लघु चित्रकला के पहाड़ी स्कूल के संस्थापक ऑप्शन नंबर ए है साहिब राम ऑप्शन बी है भिशन सिंह ऑप्शन सी है सोमनाथ हल्दर और ऑप्शन नंबर डी है मौलाराम तो आपका इसमें जो सही जवाब है वो है साहिब राम ऑप्शन नंबर ए आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं साहिब राम उत्तराखंड में लघु चित्रकला के पहाड़ी स्कूलों के संस्थापक थे कला का यह विद्यालय सत्रहवीं और अट्ठारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में फला फूला तो यदि आप इस फीडअप को लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गुरु में जुड़ सकते हैं ओके अगला एम सीख्यू है जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो कि बाघों की, की आबादी के लिए जाना जाता है उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित है यानी जिम कार्बे नेशनल पार्क कहाँ उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित है नैनीताल हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल और देहरादून सही जवाब है आपके इसमें नैनीताल अब ऊपर पहले ही बता दिया गया है कि जो कि बाघों की आबादी के लिए जाना जाता है जिम कार्बेट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है और यह भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और एक लोकप्रिय वन्य जीव गंतव्य भी है जो नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनाल भारतीय मोर ब्लैक फ्रेंको ब्लैक फ्रेंकोलिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो सही जवाब है ए हिमालयन मोनाल ओके हिमालयी मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाला एक रंगीन पक्षी है जो कि अपने जीवन पंखों के लिए जाना जाता है इसके जो पंख हैं वो कई प्रकार के कलरों से रंगीन होते हैं इसलिए ये अपने जीवन पंखों के लिए जाना जाता है नेक्स्ट टाइम है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे नित्यानंद स्वामी भुवन चंद्र खंडूरी भुवन चंद्र खंडूड़ी नारायण दत्त तिवारी रमेश पोखरियाल तो सही जवाब है आपका नित्यानंद स्वामी ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे नित्यानंद स्वामी जी और ये कब तक रहे 2000, 2000 से 2001 तक इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था नेक्स्ट है विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध किस नदी पर बना है यमुना भागीरथी अलकनंदा मंदाकनी तो सही जवाब है भागीरथी ऑप्शन नंबर ए विश्व के सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध किस नदी पर बना तो भागीरथी नदी पर कई बार ये भी पूछा जाता है कि किस जिले में है तो वो टिहरी जिले में है ओके टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है और यह बहुउद्देशीय बांध है जो कि पन बिजली पैदा करता है और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराता है अगले हम सीख्यूँ उत्तराखंड के किस शहर में हर बारह साल में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध कुंभ मेला होता है हरिद्वार में ऋषिकेश में देहरादून में और अल्मोड़ा में तो हरिद्वार आपका इसमें सही जवाब आ जाएगा नेक्स्ट एम सी क्यू है कौन सा भारतीय राज्य उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार सिक्किम तो बिहार आपका इसमें सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश और सिक्किम के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है अगला हम है नंदा देवी चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है हिमालय श्रृंखला में पश्चिमी घाट श्रृंखला में अरावली रेंज श्रृंखला में या फिर पूर्वी घाट श्रृंखला में तो सही जवाब है हिमालय श्रृंखला में नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है और उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित है अगला एमसीक्यू है कौन सी नदी देहरादून से होकर गुजरती है या बहती है यमुना गंगा अलकनंदा भागीरथी तो गंगा आपका इसमें सही जवाब होगा अगला एमसीक्यू है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित नहीं है निम्न में से जिम कार्बेट नेशनल पार्क राजा जी राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तो काजीरंगा आपका इसमें सही जवाब होगा ये कहाँ पे होगा ये आपका असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं बल्कि असम राज्य में स्थित है अगला हम है उत्तराखंड के किस जिले को झील जिल जिले के रूप में जाना जाता है नैनीताल देहरादून हरिद्वार अल्मोड़ा तो सही जवाब होगा आपका इसमें नैनीताल प्रसिद्ध नैनी झील सहित कई झीलों के कारण नैनीताल जिले को अक्सर उत्तराखंड का झील जिला कहा जाता है अगला एम सी है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है बाघ हाथी गेंडा शेर तो बाघ आपका इसमें सही जवाब होगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के संरक्षण में अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है और भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है अगला हम सिक्यू है उत्तराखंड के किस शहर को विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है हरिद्वार ऋषिकेश देहरादून मसूरी तो ऋषिकेश आपका इसमें सही जवाब होगा ऋषिकेश अपने आश्रमों और योग योग केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है जो दुनिया भर के चिकित्सकों और साधकों को आकर्षित करता है अगला हम सिक्यो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है चमोली पिथौरागढ़ उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग तो चमोली आपका सही जवाब होगा मैंने आगे भी बता दिया था फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित हैं और अपने विविध अल्पाइन वनस्पतियों के लिए जाना जाता है नेक्स्ट एम है प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था सत्रह सौ सत्तावन 1707 तो सही जवाब होगा आपका सत्रह सौ प्लासी की लड़ाई तेईस जून सन सत्रह को बंगाल भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराज उद्दोला के बीच लड़ी गई थी किसके बीच नवाब सिराज उद्दोला और और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगले हम सीख है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है गंगा यमुना अलकनंदा ताप्ती तो ताप्ती आपका इसमें सही जवाब होगा ताप्ती नदी उत्तराखंड से होकर नहीं बहती है या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों से होकर बहती है अगला अंश क्यों है प्रसिद्ध उपन्यास प्राइड एंड प्रेजुडिस किसने लिखा था जैन ऑस्टिन विलियम शेक्सपियर चार्ल्स डिकेंस एंड जॉर्ज ऑरवेल। सही जवाब होगा आपका जैन ऑस्टिन ऑप्शन नंबर ए जैन ऑस्टिन ने प्राइड एंड प्रेजुडिस उपन्यास लिखा था जो कि सन 1813 में प्रकाशित हुआ अगला अगला एम है और लास्ट सेकंड एम सी क्यू है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सी टू नाइट्रस ऑक्साइड एंड टू मीथेन सी फोर ऑक्सीजन ओ टू तो ऑक्सीजन ओ टू नहीं है ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है ऑक्सीजन को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन सभी ग्रीन हाउस गैसे हैं लास्ट एम सी क्यू है uh, प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मैरी क्यूरी ने अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आइजक न्यूटन ने तो सही जवाब होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी है. तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ बीस इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज अब मुझे भी दीजिए दी जाने की इजाज़त आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आया तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हम मिलेंगे कल इसी टाइम पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर थैंक यू फॉर कनेक्टेड। स्टे ब्लेस्ड